तो मेरा जो ये घर है धीरे धीरे करके भाई अब एक ट्रेन स्टेशन में ट्रांसफॉर्म तो होने लग गया है। यस भाई एक बार तुम लोग जरा लुक देखो ऐसे दूर से जाने पे, अभी फिलहाल ट्रेन स्टेशन तो नहीं बस स्टॉप वाला फील आ रहा है। यस अभी भी भाई थोड़ा सा बस स्टॉप वाला फील आ रहा है, बट कोई बात नहीं धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये अपग्रेड होता जाएगा इसके अंदर फील आने लग जाएगा भाई ट्रेन स्टेशन वाला। फिलहाल मैं बता दूं यार लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले तो भाई मैं बता दूं हम लोगों का जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई भाई। मेरी और लेस्टर की बात हुई थी कि हम लोग पार्टनरशिप में ये जो बिजनेस है उसको करेंगे, लेकिन लेस्टर ने एग्जिट कर लिया इस बिजनेस से। पता नहीं क्या इसी ने, उसको लग रहा है हम लोग कभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। खैर जो भी हो लेस्टर को एग्जिट करना था भाई वो कर गया। लास्ट टाइम मैं 15 करोड़ मैंने जुगाड़ किए थे एंड 15 करोड़ में से 10 करोड़ मैंने लेस्टर के दे दिए थे एंड 5 करोड़ में बाकी आगे का अपने ये घर का काम करवाया था। तो ये सीन चालू अपने घर के अंदर। तो मैं तुम लोगों को एक बार क्विकली याद दिला दूं भाई अपने घर के अंदर अभी तक, मतलब अपने ये स्टेशन के अंदर अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं। 10 करोड़ तो देखो भाई स्टेशन के अंदर ऑलरेडी लग चुके हैं एंड साथ ही साथ जो बुलेट ट्रेन है उसको कस्टमाइज करवाने में ऑलरेडी 5 करोड़ का खर्चा हो चुका है। बट एक गुड न्यूज है, जो बुलेट ट्रेन थी आज वो रेडी हो जाएगी फाइनली पूरे कस्टमाइजेशन के बाद। एंड स्टेशन रेडी होने में तो अभी टाइम लगेगा भाई, फिलहाल स्टेशन भी जल्दी रेडी हो जाएगा, बस पैसे जुगाड़ करते जाओ स्टेशन तैयार। फिलहाल आज क्या करना है ये मैं तुम लोगों को फटाफट से बता दूं। सबसे पहले तो देखो भाई जो बुलेट ट्रेन रेडी हुई है उसको चेकआउट करके आना है कि भाई जो हम लोगों ने बोला था सब कुछ उस हिसाब से हुआ है कि नहीं, उसके अंदर सीट वगैरह लगाई गई है कि नहीं, उसके अंदर भाई अपना ये टॉयलेट वगैरह का कुछ सिस्टम है कि नहीं है, एकदम लग्जरी वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही है बुलेट ट्रेन के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा मैंने सोचा है कि स्टेशन के लिए आज फिर से हम लोग पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज कम से कम हम लोग 10 करोड़ इकट्ठे करेंगे एंड उन 10 करोड़ से भाई फिर से अपग्रेड करवाएंगे अपने स्टेशन को। बाकी अभी लुक तो ठीक है, चलो धीरे धीरे बढ़िया आ रहा है लुक। स्टेशन कम यार, मैं कह नहीं रहा बस स्टॉप ज्यादा लग रहा है ये अभी। खैर जो भी हो सबसे पहले आज काम निपटा के आते हैं, अपना बुलेट ट्रेन चेक करके आते हैं बुलेट ट्रेन कैसी लग रही है भाई अंदर से, क्योंकि मैंने इंटीरियर के लिए ही खर्चा करवाया था लास्ट टाइम से भी। लास्ट टाइम जब मैं गया था बस स्टॉप वालों के पास तो उनको देकर आया था भाई कस्टमाइजेशन के लिए, क्योंकि वो लोग प्रीमियम बसेस वगैरह भी कस्टमाइज करते हैं, तो मुझे लगा उनसे बढ़िया क्या ही कोई कस्टमाइज करेगा हमारी बुलेट ट्रेन को, इसलिए मैं देकर आ गया उन्हें। एंड आई गेस उन लोगों ने अभी तक निपटा दिया होगा भाई बुलेट ट्रेन का काम। चलते हैं। अब यार एक तो ये गाड़ी नहीं लेके जा रहा भाई, बहुत ही बेकार है। ये भी मैंने रास्ते से उठाई थी, तो ये वाली गाड़ी बढ़िया लग रही है, ये उठा लेते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर द कार एवरीवन, थैंक यू। चलो चलो मिल गई, बहुत ही बढ़िया। अब निकलते हैं यहाँ से एंड जरा चल के देखते हैं हमारी बुलेट ट्रेन का इंटीरियर बढ़िया हुआ कि नहीं। फिलहाल मैं बता दूं भाई बुलेट ट्रेन के एक्सटीरियर में ज्यादा कुछ करवाने के बारे में मैंने सोचा नहीं। हाँ मैं उसको रीस्प्रे जरूर करवाऊंगा, मतलब रीपेंट करवाऊंगा यार। उसका जो कलर है वाइट है बट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ी अलग सी लगनी चाहिए अपनी बुलेट ट्रेन, इसलिए मैं उसका वाइट से कोई दूसरा कलर करवाऊंगा। एंड अभी फिलहाल तो इंटीरियर चेक करके आते हैं इंटीरियर कैसा रेडी हुआ है बुलेट ट्रेन का। लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं बस स्टॉप की तरफ। लेट्स गो, आ गए भाई बस स्टॉप वाले एरिया की तरफ आ चुके हैं हम लोग। एंड इधर ही है वो, यस ये रहा बस स्टॉप एंड ये रही हमारी बुलेट ट्रेन। भाई हो गया क्या सारा काम, हो गया? अरे वाह भाई, तो हमारी बुलेट ट्रेन जो है गाइस रेडी हो चुकी है। एंड कितने लोगों का जुगाड़ हो पाया पहले मैं खुद जाके अंदर देख लूँ। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं फटाफट से इस बुलेट ट्रेन के अंदर एंड देखा जाए भाई कैसा है इंटीरियर, कैसा है टॉयलेट वगैरह, कैसा सब कुछ बनाया है इसने। लेट्स गो। तो फिलहाल मैं हूँ इस वक्त अपनी बुलेट ट्रेन के अंदर एंड ये है फर्स्ट पर्सन व्यू अपनी बुलेट ट्रेन का। एंड एज यू कैन सी भाई काफ़ी बढ़िया सा लुक है। फिलहाल विंडोज़ जो है उनको कवर किया गया है, पता नहीं क्यों, कुछ तो रीज़न होगा ही। फिलहाल ये बुलेट ट्रेन का इंटीरियर है, मैंने यार लग्जरी इंटीरियर बोला था 5 करोड़ में, इन लोगों ने लग्जरी तो कुछ नहीं बनाया है, सिंपल सा नॉर्मल सा, हाँ प्रीमियम सा लग रहा है लेकिन लग्जरी वाला फील नहीं आ रहा। फिलहाल ये है फ्रंट वाला गाइस, दो हैं भाई देखो अपनी जो बुलेट ट्रेन है इसके अंदर दो कोचेस हैं। फिलहाल ये आगे वाली कोच है एंड अभी पीछे वाले कोच की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। एंड ये आ गए हम लोग पीछे वाले कोच की तरफ जो कि दोनों एग्जैक्ट सेम है। एंड बाथरूम वगैरह की बात की जाए तो एक सबसे पीछे है एंड एक सबसे मिडल वाले सेक्शन में है। एंड दिस वन इज द बाथरूम, प्रीमियम बाथरूम। अरे वाह यार ये बाथरूम ठीक लग रहा है। यस, और कितना बड़ा बाथरूम है यार। अबे यार ये क्या बनना है, मैंने इसे कहा था कि भाई बाथरूम नॉर्मल साइज का बनेगी, हो सीट्स ज्यादा होनी चाहिए, सीट तो जरा सी थी भाई।
ट्रेन के अंदर, बुलेट ट्रेन के अंदर जो सीट्स है वो कितनी, मतलब उतनी ज़्यादा कहाँ है। एंड बाथरूम देखो भाई, इतना बड़ा बाथरूम, दो दो बाथरूम है ऐसे, क्या ही किया जाए। बट ठीक है चलो, लग्जरी वाला फील तो आ रहा है प्रीमियम से, लाइट्स वाइट्स अभी लगा ही नहीं है लगता है। ठीक है आई गेस, ठीक 5 करोड़ का ठीक ही खर्चा किया है, क्योंकि तुम लोग इमेजिन करो भाई, वो बुलेट ट्रेन कबाड़े से बनाई थी हम लोगों ने, एंड उसके अंदर लिटरली में कुछ भी नहीं था, बुलेट ट्रेन के अंदर कुछ भी, मतलब एक ढंग की फ्लोर भी नहीं थी। तुम लोगों को याद होगा यार, जब लेमार को चमकाने के लिए लेस्टर मेरे घर के सामने वो बुलेट ट्रेन लेकर आया था, किस तरीके से लेस्टर उसमें लटक के चला रहा था उस बुलेट ट्रेन को, ऐसा सीन था। और फिलहाल वैसी बुलेट ट्रेन से बताओ ऐसी बुलेट ट्रेन बन गई, तो आई गेस सही इस्तेमाल हुआ अपने 5 करोड़ का। ये फिलहाल था बाथरूम, एंड ये था अपने पैसेंजर के सीटिंग एरिया, जो कि आई गेस काफ़ी बढ़िया था। चलो भाई वैसे कितने लोग बैठेंगे इसमें, आई गेस 40 कम से कम आगे वाले कोच में, पीछे वाले मतलब 100 के लगभग लोग आराम से बैठ जाएंगे इसमें। ये आ गए बाहर हम लोग अपनी बुलेट ट्रेन के, ठीक है 50 बंदे आगे 50 बंदे पीछे, उतने तो नहीं है जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने सोचा था कम से कम 200 बंदों की बैठने की जगह बन जाएगी, लेकिन नहीं भाई। इंजन वगैरह है, फिर उसके अलावा इसी के अंदर भाई बाथरूम भी है, ये सब बनाने की वजह से भाई 200 पैसेंजर तो नहीं बैठ पाएंगे, पर ठीक है सही है भाई। मेरी तरफ से बुलेट ट्रेन डन है, बढ़िया बनाई है तूने बुलेट ट्रेन, काम अच्छा किया है, 5 करोड़ में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है। थोड़ी और प्रीमियमनेस डाल सकता है तो यार डाल दे प्लीज़ भाई, लाइट्स वगैरह अगर तू लगा सकता है कुछ लग्जरी झूमर वगैरह कुछ, लेकिन एक सेकंड ये होटल थोड़ा ना भाई, बुलेट ट्रेन है झूमर और क्या होगा इसमें। नहीं नहीं भाई छोड़, लाइट्स वगैरह छोड़। हाँ एक चीज़ और, इसको पेंट करवाना है मेरे को, हो जाएगा पेंट? कौन से कलर में पेंट करवाना है, अब ये तो मैंने सोचा नहीं है भाई। एक काम करो भाई, तुम लोग जाकर बताओ यार हमारी बुलेट ट्रेन का कलर क्या होना चाहिए। यस यस गाइस, कलर क्या होना चाहिए हमारी बुलेट ट्रेन का, जो टॉप मोस्ट फेवरेट कलर्स होते हैं मैं वो कलर तुम लोगों को ऑप्शन में देता हूँ, एंड तुम लोग जाकर वोट करना भाई कौन सा कलर होना चाहिए अपनी बुलेट ट्रेन का। मैं ऑप्शन में रखने वाला हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, यही सबसे मोस्ट फेमस कलर लूडो के 4 कलर यही होते हैं भाई, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो इनमें से कौन सा कलर अपनी बुलेट ट्रेन का होना चाहिए तुम लोग कमेंट में जाकर अभी के अभी बताओ भाई, एंड वोट कर देना भाई कौन सा कलर होना चाहिए बुलेट ट्रेन का। बाकी जिस पे सबसे ज्यादा वोट होंगे वही वाला मैं कलर करवा दूंगा भाई। बुलेट ट्रेन को कलर करने में कितना खर्चा आएगा? अरे तेरी हर चीज में खर्चा ही है, कह रहा भाई अगर लोकल कलर करवाओगे जो ऐसे ही निकल जाए फीका सा पड़ जाए तो वो तो 10-12 लाख में हो जाएगा, लेकिन अगर एकदम प्रीमियम कलर करवाना है जो जल्दी ना उतरे तब 1 करोड़। ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, तुम लोग जाकर बताना भाई कमेंट में क्या करना चाहिए अपनी बुलेट ट्रेन का कलर, एंड वोट कर देना भाई। फिलहाल अभी तेरे पास ही छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है मैं अभी बुलेट ट्रेन नहीं लेके जा सकता, बाद में लेके जाऊँगा मैं जब कलर डिसाइड हो जाएगा, कलर करवाने के बाद ही लेके जाएंगे यहाँ से। अब चलते हैं हमारे जो स्टेशन है उसको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई बुलेट ट्रेन तो चलो रेडी हो गई, लेकिन बुलेट ट्रेन रुकेगी कहाँ, आएगी कहाँ, इसके लिए बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी तो होना चाहिए। अब सोचते हैं फ्रैंकलिन स्टेशन को कैसे अपग्रेड करना है, फिलहाल वो काम भी अच्छे से चल रहा है, बस पैसों की कमी पड़ रही है। 10 करोड़ का ऑलरेडी खर्चा हो चुका है हमारे स्टेशन में, बाकी आज और 10 करोड़ का जुगाड़ करना है, लेकिन कहाँ से किया जाए जुगाड़ यार, किससे हेल्प मांगूँ मैं, यही तो प्रॉब्लम है, पैसे की तो कमी है, वरना पैसे अभी मेरे पास हो भाई 10-12 हज़ार करोड़ पूरे लॉस सैंटोस में जगह जगह बहुत सारे स्टेशंस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बुलेट ट्रेन चला देता मैं भाई, बहुत ज़्यादा रिच बंदा बन जाता मैं, लेकिन पैसे ही नहीं है। अरे 10 करोड़ का तो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, कहाँ से 10-12 हज़ार करोड़ का जुगाड़ करूँ मैं। खैर देखते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जुगाड़। फिलहाल उस स्टेशन के अंदर और क्या अपग्रेड करवा सकता हूँ वो सोचना पड़ेगा। ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा घर पे चलते हैं भाई। ओके घर पहुँचने वाला हूँ मैं, एंड मैं तुम लोगों से पूछता हूँ भाई, तुम लोग बताओ यार कमेंट में क्या क्या नई नई चीज़ें जो हैं लग सकती हैं हमारे स्टेशन के अंदर, जिससे भाई थोड़ा यूनिक स्टाइल, थोड़ा यूनिक टच आए। हैं तुम लोग देख रहे हो ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, एक नॉर्मल सस्ता सा अभी भी बस स्टॉप भी नहीं लग रहा है ढंग से, ये कहाँ प्रीमियमनेस फील आ रही है भाई, इतनी बढ़िया वो बुलेट ट्रेन बन गई, इतना बढ़िया बाथरूम है उसके अंदर, इतने बढ़िया प्रीमियम सीट्स हैं, लग्जरी बुलेट ट्रेन बन गई, एंड ये स्टेशन क्या लग रहा है, उड़ा हुआ स्टेशन लग रहा है भाई, सस्ता सा लोकल सा। स्टेशन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें करवाऊँ, क्या ऐसे चेंजेस करवाऊँ कि भाई लुक एकदम बढ़िया हो जाए। आई गेस मुझे पर्सनली भाई विजिट करना चाहिए लॉस सैंटोस के मेट्रो स्टेशन वगैरह पे। हाँ भाई यस, तब पता चलेगा कि किस तरीके से स्टेशन को बेटर बनाया जा सकता है। एक काम करता हूँ मैं, माइकल के घर के पास वाला जो मेट्रो स्टेशन नहीं है भाई,
वहाँ पे चलते हैं ज़रा, एंड ज़रा चेक करते हैं क्या फ़र्क होता है नॉर्मल मेट्रो स्टेशन पे, एंड जो भी अलग अलग चीज़ें मुझे दिखेंगी वो चीज़ें मैं नोटिस कर लूँगा। एंड आज शाम को जब अपना कॉन्ट्रैक्टर आएगा भाई, उसको मैं बताऊँगा कि भाई ये चीज़ें हमारे भी स्टेशन में होनी चाहिए। यस भाई, इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो फिर वो पैसे खर्च होते रहेंगे, लोकल से स्टेशन बन के रह जाएगा हमारा। चलो फटाफट से मेट्रो स्टेशन विजिट करके आते हैं लॉस सैंटोस की। ओके अबे हट जाओ भाई। एंड ये माइकल के घर की तरफ का इलाका है, एंड इधर ही है एक मेट्रो स्टेशन है शायद, यहाँ पे है एंट्रेंस लिखा तो है, यही है। नहीं 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 नहीं, आगे है शायद थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा सा। ये तो ये देखो भाई, ऐसे होते हैं ना मेट्रो स्टेशन। सबसे पहले तो देखो भाई, ये डस्टबिन होनी चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए, ये देखो भाई टिकट्स एंड इन्फॉर्मेशन वाली ये मशीन होनी चाहिए बाहर ही, ताकि बंदे को अंदर ना जाना पड़े। एंड ये ऐसा कुछ चबूतरा सा होना चाहिए। बताओ यार, हमारे मेट्रो मतलब हमारे ट्रेन स्टेशन है, कोई नॉर्मल ट्रेन स्टेशन नहीं है, वो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, फिर भी वो कैसा लग रहा है। ये देखो भाई, इस तरीके से चबूतरा होना चाहिए, ऐसी छत होनी चाहिए, थोड़ा फील आए, प्रीमियमनेस वाला फील आए। फिर मैप होना चाहिए बाहर ही इस तरीके का। ठीक है। अंडरग्राउंड तो खैर हमारा नहीं है, तो सीढ़ियाँ तो भूल जाओ। बाकी और आगे चलते हैं, क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं मेट्रो स्टेशन पे, ये सब नोटिस करते हैं। एंड ये सब प्रपोजल रखेंगे भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर के आगे, उसको चमकाएंगे कि भाई ये सब लगवा। सबसे पहले तो देखो गाइस, स्क्रीन्स देख रहे हो, ऐसे कलरफुल एडवर्टाइजिंग स्क्रीन्स है, इनसे थोड़ा प्रीमियमनेस वाली फील आ रही है। फिर इसके अलावा ये नीचे की टाइल्स देखो कितनी अजीबोगरीब है, बढ़िया है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स है, पेंटिंग्स है, लाइटिंग है, छत देखो, छत का डिजाइन कितना बढ़िया है। ये देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है, भले शराब का ऐड है लेकिन फिर भी स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन होनी चाहिए बड़ी बड़ी। इसके अलावा यहाँ पर एसी वेंट्स भी होनी चाहिए, ये देखो एसी वेंट्स हर जगह है यहाँ पे। ये देखो यार, मैं कह नहीं रहा, ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन, भले ही एडवर्टाइजमेंट वाली स्क्रीन हो, लेकिन इनसे फील आता है ऐसे प्रीमियमनेस वाला। जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे एक परफ्यूम का ऐड चल रहा है, क्या बढ़िया ऐसे चलता हुआ, ये देखो भाई क्या फील आ रहा है। तो इसीलिए भाई स्क्रीन्स लगवानी पड़ेंगी थोड़ी। और आईफ्रूट 9iX, अबे ये कौन सा आईफोन, सस्ता सा। बाकी ये देखो मैप वैप, इधर इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह, स्क्रीन्स वगैरह, ये सब लगवाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर रेंज रोवर का ऐड है, क्या क्या बढ़िया, ऐसे होना चाहिए ना भाई, तब आता है फील रियल वाला। इसके अलावा ये तो खैर क्या ही लगाऊंगा मैं अपने घर के आगे, छोटी सी तो जगह है, फिर भी देखेंगे, लग जाएगा तो लगवा देंगे। बोलते क्या ही नहीं, मैं तो यही भूल गया मैं आया कहाँ से था। हाँ, मैं पीछे से आया था। एंड फिर ये देखो, ये मशीन्स फिर से वही टिकट्स एंड इन्फॉर्मेशन वाली। फिर ये टेलीफोन्स होने चाहिए किसी को कॉल करने के लिए। ओके एंड आगे चलते हैं, आगे और क्या है भाई, ये थोड़ी टाइल्स से और बढ़िया फील आ रहा है। मेरे घर के आगे उसने पता नहीं लकड़ी के फट्टे से लगा दिया है यार, वो कहाँ से स्टेशन वाला फील आ रहा है। नहीं नहीं, आज भाई उससे बोलना तो पड़ेगा। ये वेंडिंग मशीन्स भी होनी चाहिए स्टेशन पे, देखो वेंडिंग मशीन्स है यार, मेरे बुलेट ट्रेन स्टेशन पे है ही नहीं। इसके अलावा और ऐसे सब डिज़ाइन देख रही हूँ, LED लाइट्स क्या ब्यूटीफुल लग रही हैं, LED लाइट्स, ये डिज़ाइंस। पता नहीं यार, मेरा कभी बुलेट ट्रेन स्टेशन इतना बढ़िया बन पाएगा कि नहीं, क्यों नहीं बन पाएगा भाई, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं ऐसा बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाऊंगा भाई कि ये सस्ता सा मेट्रो स्टेशन फेल हो जाएगा मेरे बुलेट ट्रेन के स्टेशन के आगे। सीरियसली, मैं तुम लोग बस देखते जाओ गाइस, लिटरली मैं वर्ल्ड्स बेस्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाऊंगा मैं। खैर वर्ल्ड्स बेस्ट तो ज्यादा ही बोल दिया, लॉस सैंटोस का बेस्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाऊंगा मैं। चलो फिलहाल तो अभी पैसों का जुगाड़ करना है, लेकिन पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ यार, यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूँ। फोन किसका आ रहा है ये, हेलो एक सेकेंड, लेस्टर का कॉल। अब ये लेस्टर क्यों कॉल कर रहा है, बिजनेस से तो एग्जिट कर लिया इसने, पार्टनरशिप से भी एग्जिट कर लिया, अब क्यों कॉल कर रहा है मुझे। चलो पिक कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। हेलो भाई लेस्टर, कैसे हाल चाल, मजे में चल रही जिंदगी, कैसे फोन किया, तेरे पास मेरे लिए कुछ आइडिया है। भाई तू होश में तो है, तू बिजनेस से एग्जिट कर चुका है, पार्टनरशिप से एग्जिट कर चुका है, तो मेरे को आइडियाज क्यों बता रहा है, पैसा कमाने का आइडिया है तेरे पास। अच्छा, क्या क्या आइडिया, बता 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 बता। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके ठीक है, मैं आता हूँ तेरे घर पे आता हूँ। ओके गाइज, लेस्टर के पास एक आइडिया है यार, बहुत ही तगड़ा, जिससे मैं 12 करोड़ के लगभग कमा सकता हूँ।
देखो आइडिया काफी सिंपल सा है, एक बहुत ही ज्यादा रिच बिजनेसमैन है, उसका दोस्त है लेस्टर का, पता नहीं यार कैसे इसके दोस्त बन जाते हैं, कहाँ ये ठहरा है एक लोकल सा हैकर, कहाँ बिजनेसमैन इसके दोस्त बन रहे हैं, भाई कुछ भी हो रहा है लॉस सैंटोस में। खैर जो भी हो, लेस्टर का एक बिजनेसमैन दोस्त है एंड उसका जो बेटा है वो हो गया किडनैप, एंड ये किडनैपिंग हुई है लगभग 2 दिन पहले। एंड जब से वो बिजनेसमैन लगा पड़ा अपने बेटे को ढूंढने के लिए, पुलिस वगैरह को भी वो इन्फॉर्म कर चुका है, मिलिट्री वगैरह को, लेकिन मिलिट्री वाले क्या ही करेंगे इसमें, पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर चुका है, मिलिट्री को भी बता दिया है, लेकिन मिलिट्री वालों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, पुलिस वालों ने भी खैर कुछ नहीं किया है, अभी तक उसके बेटे को ढूंढ नहीं पाया सब लोग मिलके। एंड अब जाके आज सुबह पता चला है उसके बेटे को उठाया है उसी के एक राइवल बिजनेसमैन ने, एंड कुछ तो लफड़ा है उन दोनों बिजनेसमैन का, एंड एक ने दूसरे वाले के बेटे को उठा लिया है। अब उसने मना किया है कि भाई पुलिस को तुम बता मत देना, एंड इसलिए अब ये बिजनेसमैन बता नहीं पा रहा है पुलिस को कि भाई किसी बंदे ने पकड़ रखा है। एंड अब सिंपली उसने लेस्टर को कहा है कि अगर मेरे बेटे को बचा लिया, बचाने वाले को मैं 12 करोड़ दूंगा। तो यही प्लान है गाइस, सिंपल सा। अब मैं क्या सोच रहा था यार, ठीक ही है, कर लेते हैं, बचा लेते हैं, अब अच्छा खासा किसी की जिंदगी बच जाएगी और साथ में मुझे 12 करोड़ भी मिल जाएंगे। लेकिन 12 करोड़ में मुझे नहीं लगता पूरे के पूरे मुझे मिलेंगे, लेस्टर अपना कमीशन ज़रूर लेगा यार, कोई ना दे देंगे उसे कमीशन भी। निकलते हैं फिलहाल अभी लेस्टर के घर की तरफ, लेट्स गो। पहुंच गया भाई, लेस्टर के घर पहुंच चुका हूँ मैं। इधर ही है ना भाई लेस्टर का घर? अबे नहीं, ये नहीं है। अरे यार एक सेकेंड, आ गया, फिर इधर है लेस्टर का घर, यस इधर ही है। चलो भाई आ गए। एक तो इसकी गली बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, मैं हर बार भूल जाता हूँ इसकी गली का इलाका। हेलो भाई लेस्टर, आ गया मैं, बता भाई कहाँ है उसका बेटा, कौन सा बिजनेसमैन ने कहाँ पकड़ के रखा है उसे, बता फटाफट, उसके बेटे को बचा के आता हूँ मैं, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, फटाफट क्विकली। ओके ठीक है, मिलते हैं लेस्टर बाद में थोड़ी देर, टेंशन ना ले, उसके बेटे को कुछ नहीं होगा, मोटा सा बच्चा उसका, ढूंढ के ले आऊंगा, मतलब बचा के ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई यार मेरा मुंह क्यों टूट रहा है। चलो भाई फटाफट से रास्ते से गन उठा लेते हैं एंड चलते हैं मोटेल पे पकड़ के ले गया है वो, कोई अबैंडन्ड मोटेल है गाइस, वहां पकड़ के ले गया है वो बिजनेसमैन। बताओ यार, दो बंदों की फाइट हो रही है एंड कोई बात नहीं, मेरा ही फायदा है, दो बिजनेसमैन की एक्चुअली में फाइट हो रही है एंड एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन के बेटे को पकड़ लिया है। अब क्या लफड़ा है ये, तो वही जाने भाई क्यों पकड़ा है उसने, कुछ तो होगा ही इशू, लेकिन जो भी हो मुझे बस बंदे को बचा के लाना है, तो मुझे ज्यादा गन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई दूसरा वाला बंदा जिसने किडनैप किया है वो कोई गैंग वैंग तो है नहीं कि मैं निपट लूंगा, वो भी कोई अमीर बंदा ही है एंड उससे पंगे ले लूंगा मैं पीट पाट के, तो फिर वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, इसीलिए ज्यादा पंगे नहीं लेने अपने को, बस सिंपली जाना है, एक हाथ को पीटना पाटना है, बेहोश करना है, ज्यादा गन वन का यूज नहीं करना है एंड सिंपली उस बंदे को बचा के लाना है, बस सिंपल यही चीज करनी है। चलो गाइस फटाफट से पहले तो मैं वेपन स्टोर से गन परचेज कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह जितने हो सकते हैं उतने परचेज कर लेता हूँ क्योंकि स्मोक ग्रेनेड्स बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड देन चलते हैं हम लोग, आ गए वेपन स्टोर। हेलो हेलो हेलो, वेपन्स दे दो भाई साहब, वेपन्स नहीं मेरे को स्मोक ग्रेनेड्स दो। वेपन्स भी ले लिए, स्मोक ग्रेनेड्स भी ले लिए, काम तो हो ही जाएगा, बहुत है इतने तो। चलो स्मोक ग्रेनेड्स हाथ में ले लूँ मैं, ये रहे टियर गैस रेडी। निकलते हैं मोटेल की तरफ एंड बचा के लाते हैं उस बिजनेसमैन के बेटे को। सॉरी आंटी जी, सॉरी, हॉस्पिटल निकलो। अरे भाई निपट गई क्या आंटी? हेलो हेलो आंटी, आर यू ऑल राइट? यस आंटी इज एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी आंटी जी, सॉरी। भागो भाई, भागो। ओके, अबैंडन्ड मोटेल की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले, क्या पहुंच गए। अरे यार मोटेल के चक्कर में मेरा फोकस नहीं है ड्राइविंग पे। ओके ये रहा मोटेल, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो भाई, काफी सालों पहले चलता था ये, अब बंद हो गया, अब कहाँ ये मोटेल चलता है, लेकिन इसमें किडनैप कहाँ किया होगा भाई? ये ऐसी जगह है, सब किडनैपिंग वगैरह ऐसी सब चीजों के लिए इस्तेमाल होने के लिए रह जाती है। यहाँ पर मैं कई बार आया हूँ भाई, कई सारे सीन यहीं से शुरू हुए हैं, कभी किसी किडनैपर को पकड़ना होता है, कभी किसी क्रिमिनल को, कभी कोई क्रिमिनल यहीं आके छुपता है, और जब मेरे को पुलिस वालों से बचना होता है तब मेरे दिमाग में ये जगह नहीं आती है भाई, यहीं पे आके छुप जाना चाहिए, पुलिस वाले कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे सीरियसली। मैं खैर अभी नेक्स्ट टाइम छुपने के लिए इस जगह का जुगाड़ करेंगे, फिलहाल जरा देखें कुछ दिख रहा है क्या इसमें। हेलो कुछ दिख रहा है? हेलो नजर तो नहीं आ रहा है कोई। ओए वहां पर एक बंदा चल तो रहा, ओ वहां पर कुछ बंदे हैं,
कुछ बंदे हैं वहां पर, एक बंदा चल रहा है, शायद मे भी वहीं पर जाना चाहिए। एक सेकंड, मेरे पास वो भी तो है, स्नाइपर भी तो है यार, वो भी तगड़े जूम वाली। निकालते हैं स्नाइपर, हियर वी गो। यस है भाई, वहां पर बंदे हैं, लेकिन इसका उतना तगड़ा जूम है नहीं भाई। आई गेस फिर उस वाली बिल्डिंग पे जाना चाहिए, सामने वाली। देखो मोटेल के दो बिल्डिंग्स है, एक ये, आई गेस इस वाले पे जाना चाहिए, वहीं पर एक आध बंदे नजर आ रहे हैं। मैं भी वहीं पर पकड़ रखा होगा बिजनेसमैन के बेटे को, जो कि हल्का सा मोटा सा है, उसे पकड़ना है, मतलब बचाना है। चलो भाई, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है? लोमड़ी। हेलो लोमड़ी, टपक गई क्या लोमड़ी, सो रही है? हेलो लोमड़ी ब्रो, लोमड़ी ब्रदर, पता नहीं कौन सा जानवर है यार, कैसे कैसे जानवर है लॉस सैंटोस के अंदर। छोड़ो, गाड़ी को कहीं दूर ही पार्क करते हैं, हम लोग पीछे से अटैक करेंगे। एक सेकंड, पता चला पीछे से और भी सारे गार्ड हुए। पीछे से, ओ यस, पीछे से और है क्या, या फिर नहीं? नहीं नहीं, पीछे से तो कोई भी नहीं है। नहीं, पीछे से और है, ये तो रे, ये देखो कितने सारे गार्ड्स हैं। नहीं गाइस, पीछे से नहीं कर सकते हम लोग, उधर से ही जाना पड़ेगा, जिधर से मैंने जूम करके देखा था। इधर से ज़रा देखो एक बार, तुम लोग हैं कितने सारे बंदे, कैसे, जल्दी से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये देखो, ये देखो, जल्दी देखो भाई, ये देखो, यहाँ पर है एक बंदा, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, गन ले लेके। एक बिजनेस मैन के बॉडी गार्ड्स भी देखो भाई, सूट बूट पहन के खड़े हैं, क्या बात है। एक लॉस गैंग वालों के गार्ड्स होते हैं टपोरी जैसे, एक इनके देखो भाई, ये भी थोड़े पढ़े लिखे से लग रहे हैं। खैर मैं पीछे से जा रहा हूँ अटैक करने के लिए। नाइस नाइस नाइस, अटैक करना नहीं है ऐसा कुछ, बस इनको मतलब बेहोश करना है एंड ले कराना है किडनैप्ड बंदे को, बस यही करना है मुझे। गाड़ी को लगाया यहाँ पे साइड में, शांति से प्यार से चलते हैं एंड प्यार से इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल समझाना नहीं है, पीठ पाट के उसके बेटे को लेके आना है। ये रहे ये बंदे, चलो किससे अटैक करूँ, मेरे पास स्नोबॉल्स भी तो है। अरे स्नोबॉल्स कब काम आएंगी मेरी? ओके कम ऑन, लेट मी हैव दिस। ये पटाख इसके टकले पे बेहोश होना चाहिए भाई एक बार में। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। अब एक ये सिगरेट फूंक रहा है, इसके एक पटाख से बचना चाहिए। चलो चलो, नाइस, बहुत ही बढ़िया, गया भाई गया। नाइस नाइस नाइस, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो इसी तरीके से। ओ नो, तू कौन है बे, तू कौन है तेरी? ये ले, बेवड़ा था भाई ये तो। कोई एम्बुलेंस आई, पुलिस वाले आ गए हैं। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? अरे नहीं, वो पुलिस वाले जा रहे हैं यहाँ से, मुझे लगा इधर आ गए। ओके एक और इधर पटैक बजना चाहिए खोपड़े पे, पटैक। एक और उधर बजना चाहिए खोपड़े पे, वहां तक निशाना, बहुत ही बढ़िया। ओ नो, गन चला दी उसने, शिट 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 शिट। अब आराम से आराम से, ओ नहीं, गन का यूज नहीं करना यार, मेरे को नहीं पंगे लेने हैं किसी से भी। अब सिंपली स्नोबॉल्स का यूज करते हैं एंड बजा देते हैं दो चार में ये भी जो। अबे छत पे लग गई मेरी स्नोबॉल, ये ले ये। अब एक और लास्ट बची है ये, नाइस। ओ नो, ओ ये रहे बाकी बंदे, ये रे। रुको 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 रुको, मेरे पास वो है सप्रेसर वाली गन है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इनके पैरों में गोली मारता हूँ एंड बेहोश करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नाइस, ये हो गए बेहोश। अब यहाँ पर देखो कितने सारे बंदे हैं एंड आई गेस वो जो घुटनों के बल बैठा है वही है उस बिजनेसमैन का बेटा। चलो फिर इस्तेमाल किया जाए हमारे सबसे पावरफुल वेपन टीयर गैस का। चलो अभी ये बंदे बेहोश होंगे। कमॉन कमॉन कमॉन, कहाँ भाग के जाओगे बेटा, कहाँ भाग के जाओगे आप? आप भाग के कहाँ जाओगे? आपको बेहोशी होना है सर जी, बाहर जाओ या अंदर जाओ, कहीं भी जाओ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो एवरीवन। अबे लेकिन उसका बेटा भी बेहोश ना हो जाए, कोई बात नहीं, उसे उठा के ले जाएंगे हम लोग। फिलहाल 10 और है मेरे पास। ओ नहीं, बेटा बेहोश नहीं हुआ अभी तक, अभी तो ठीक तो है। ओ सॉरी सॉरी, ओ नो, मैंने मुक्का भर दिया इसके। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। ये ले, हाँ इसको मुक्का भरना था गलती से, उसके भर दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, निपट गए सब निपट गए, 5 और बचे हैं मेरे पास। कोई बात नहीं, चल 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 लौंडे चल। सुनो ए, अरे क्या पड़ा हुआ है, उठना है यार। अच्छा खासा होश में था, मैंने मुक्का भर दिया, इसको कैसे लेके जाऊं? जल्दी जल्दी जल्दी, गाड़ी पहले लेकर आता हूं इधर ही कोने में, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 एवरीवन। नाइस 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 नाइस, जल्दी। मेरी गाड़ी कहाँ, मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? ओ नो, मैंने गाड़ी कहाँ फेंक दी? वोरी वोरी वोरी, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, एंड हियर वी गो, फटाफट। एंड यहाँ से लेकर आते हैं उसे। क्या ड्रिफ्ट की यार मैंने अभी गाड़ी से, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया बट बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट थी। एंड कहाँ पर वो से मैंने मुक्का भरा भाई, अरे कहाँ मुक्का भर दिया मैंने उसमें, इधर आई गेस, हाँ ये तो रहा। सॉरी मोटे भाई साहब, टकलू भाई, चलो चलो फटाफट से चलो। रख दिया रख दिया रख दिया, उसके बेटे को रख दिया मैंने गाड़ी के टॉप पे
एंड अभी ये बारी है यहाँ से निकलने की, एंड इसके बेटे को, बिजनेसमैन के बेटे को मैं पहुँचाता हूँ लेस्टर के घर, एंड लेस्टर से ही मैं 12 करोड़ लेके निकलता हूँ भाई। अब यार लेकिन एक सेकंड, लेस्टर से मैंने उस वक्त कमीशन की तो बात की ही नहीं थी। अब लेस्टर पता नहीं उन 12 करोड़ में से कितने लेगा, पहली बात कर लेनी चाहिए थी, मैं भूल गया यार सीरियसली मैं। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से पहले घर निकलते हैं जल्दी से फुल स्पीड। देखा भाई मैं कह नहीं रहा था ज़्यादा पंगे नहीं लेने अपने को, सिंपली जाना है, गार्ड्स वार्ड्स को पीटना है, बेहोश करना है, टियर गैस स्मोक ग्रेनेड्स का यूज़ करना है एंड लेकर आना है बस। ज़्यादा पंगे लेने की क्या ज़रूरत है जब शांति से ही मामला सॉल्व हो रहा है तो। चलो एंड यहाँ से इधर एंड फुल स्पीड, कम ऑन लेट्स गो। आ गए आ गए आ गए, लेस्टर की गली में आ गए, एंड यहाँ से राइट, एंड यहाँ से फिर आगे से एक और राइट कट। चलो भाई लेस्टर, लेस्टर भाई बिजनेसमैन के बेटे को लेके आगे मैं लेस्टर, अरे लेके ही चलते हैं ना डायरेक्ट इसे, क्यों बाहर छोड़ रहा हूँ मैं। लेस्टर भाई ये रहा तेरे बिजनेसमैन का बेटा, गुंडे ने पीट के बेहोश किया। नहीं नहीं गुंडे ने पीट के बेहोश नहीं किया है, वो तो मेड से गलती से बेहोश हो गया, गुंडों ने तो पीटा ही नहीं था इसे, घुटनों के बल बैठा हुआ था मैं क्या। अब स्मोक ग्रेनेड यूज़ किया, वो धुएं में पता नहीं चला इसके मुक्का जड़ दिया मैंने, जब मुक्का धर दिया तब पता चला कि अरे भाई ये तो कोई मोटा सा बंदा था, फिर पता चला ये तो उस बिजनेसमैन का बेटा था। अब सॉरी भाई लेस्टर यार क्या करूँ, लेकिन हाँ ठीक है हालत ठीक है उसकी, बढ़िया है, थोड़ी देर में होश पे आ जाएगा। मेरे 12 करोड़ दे दे। कौन से 12 करोड़, क्या मतलब 12 करोड़, 2 करोड़ तेरे। अब तो मन कर रहा है मैं तेरे मुक्का भर दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, 2 करोड़ तेरे, चल 10 करोड़ तो दे जल्दी दे, थैंक यू निकलता हूँ। अब किसी को बताइयो मत बे कि इसको मुक्का मैंने जड़ा है, ठीक है कह दियो गुंडों ने पीटा है, बता मत दियो वरना मैं फंस जाऊंगा। चलो 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 चलो, 10 करोड़ का हो गया जुगाड़, एंड अब इन 10 करोड़ से मैं बनवाऊंगा अपने घर के स्टेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन। तो चलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। आ गया होगा अभी तक तो शायद अपना कॉन्ट्रैक्टर घर पे, या फिर नहीं 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 जब तक पहुंचूंगा तब तक तो आ ही जाएगा। चलो भाई चलो बिंदास, पहुंच गए घर पे, एंड आ गया है भाई, आ गया अपना कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, बहुत ही बड़े भाई साहब, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं, मतलब आप ही के लिए पैसे ला रहा था मैं। चलो भाई गाड़ी को रखते हैं इधर, ये वाली गाड़ी बढ़िया है, फास्ट भी है, बढ़िया लुकिंग भी है, चलो सही गाड़ी मिल गई पड़ोसियों के यहाँ से, अब देख ना ले वो लोग वरना उठा के लेके चले जाएंगे गाड़ी अपनी। सर ये 10 करोड़ एंड काम शुरू करो आगे का, देखते हैं आगे की प्रोग्रेस आपकी कैसी रहती है। हाँ मैं जरा एक चीज़ बात बता दूँ, मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे चेक करके आया था, वहाँ मैं देख कर आया था उन्होंने टाइल्स काफ़ी अच्छी लगा रखी है, या आपने क्या लकड़ी की टाइल्स लगाई है, इसको थोड़ा अपग्रेड करो। फिर वहाँ मैंने देखा उन लोगों ने टेलीफोन वगैरह भी लगा रखे हैं, वो भी लगाओ आप। फिर चलो ये तो टिकट इन्फॉर्मेशन वाली तो चलो ये है ऑलरेडी, फिर इसके अलावा आप थोड़ी स्क्रीन्स का और यूज़ करो सर, टीवी स्क्रीन्स बड़ी बड़ी LCD LED, एंड इसके अलावा सर आप डस्टबिन वगैरह भी इधर उधर लगवा दो थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड वेंडिंग मशीन्स भी लगा दो सर। बाकी ये रहे 10 करोड़, आगे काम शुरू करो, मैं मिलता हूँ आपसे कल डायरेक्टली अब सुबह, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ भाई, अब सुबह ही देखेंगे आखिरकार हमारे स्टेशन का काम कहाँ तक पहुँचा। फिलहाल गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सुबह हो चुकी है एंड ये टाइम है ये देखने का कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने रात भर जगकर भाई वर्कर्स बुला के कितना काम पहुंचाया है हमारे बुलेट ट्रेन का, मतलब बुलेट ट्रेन के स्टेशन का। लेट्स गो लेट्स चेक इट आउट। ओ भाई ये छत तो नई नज़र आ रही है, ओ यस भाई नई नई चीज़ें लगाई हैं इसने तो लगता है, ओ यस देखो भाई चेंजेस करने लग गया ये फ्लोर के अंदर। मैं कह रहा था भाई फ्लोर थोड़ा बढ़िया बना, टाइल्स वाइल्स होनी चाहिए, मैं देख के आया था भाई मेट्रो स्टेशन में उनकी फ्लोर एकदम चमक रहे थे भाई, हमारे लकड़ी वाला फ्लोर लग रहा था। फिलहाल अभी इधर का इसने ठीक नहीं किया है लकड़ी का फ्लोर, बट यहाँ का ठीक कर दिया है, धीरे धीरे पूरा कर देगा। एंड ये कुछ नए चेंजेस आ चुके हैं गाइस, ये डिजाइन देखो ऊपर की तरफ, और स्क्रीन्स भी लगा दी इसने। अबे लेकिन ये कैसी पतली पतली स्क्रीन है, अबे थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगानी चाहिए थी, उसे फिर बताना पड़ेगा कि थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगा भाई। बाकी यहाँ पर इसने एक टेलीफोन भी लगा दिया है जैसा कि मैंने इसे कहा था। एंड ये देखो भाई ये ऊपर के इलाके में थोड़े बहुत और न्यू चेंजेस आए हैं, यहाँ पर अब कुछ टाइल्स वगैरह लगा रहा है ये, ठीक है धीरे धीरे करके ऐसे ही तो चेंजेस आएंगे। ओए ऊपर वेंडिंग मशीन है क्या वो, वेट 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 चढ़ने दो, यस वेंडिंग मशीन भी लगा दी है इसने। ओ भाई धीरे धीरे करके चेंजेस तो आ रहे हैं गाइस, सीरियसली में मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सब देख के मज़ा तो आ रहा है। एक बार तुम लोग देखो आप, थोड़ा थोड़ा सा लुक तो आ रहा है यार स्टेशन वाला,
स्पेशली जब से ये पिलर वगैरह लगा के ऊपर की फ्लोर सेटिंग कर दी है, उसके बाद थोड़ा सा लुक एकदम फ्यूचरिस्टिक सा, थोड़ा मॉडर्न लुक तो आ रहा है यार। धीरे धीरे करके मेरा जो ट्रेन स्टेशन है ये अल्टीमेट बनने वाला है, अल्टीमेट। तुम लोग देखते जाओ। जैसे अभी ये देखो, यहाँ पर अभी ये टाइल्स और ये पिलर ऐड हुए हैं, धीरे धीरे करके इसमें नए नए डिज़ाइंस एंड थोड़े और फ्लोर्स, फिर ये खंबे वाले भी चेंज हो जाएंगे। क्या अल्टीमेट लुक आएगा भाई, बहुत ही बेहतरीन एंड प्रीमियम लगने वाला है अपना ये ट्रेन स्टेशन। देख रहे हो तुम लोग, फिलहाल आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, एंड वोट जरूर करना भाई कौन से कलर की हमारी बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, कमेंट में बताना एंड वोट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।